पुलिस पहुँचती है एन एच आई के लोग पहुँचते हैं उनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है। उसको काट के निकाला जाए तो बाद पूछेगा आप उसके लगते क्या हैं नमस्कार मैं मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और आज मेरे साथ हाईवे के देवदूत हैं और ये हैं प्रमोद ओझा जी कैसे हैं आप जो ओझा जी जी बढ़िया हम सभी लोगों को सभी दर्शकों को बढ़िया और मंदिर के सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि ये ना देवदूत से कम नहीं है क्योंकि हाईवे पर ये रहते हैं कप्तानगंज कप्तानगंज हरैया कप्तानगंज हरैया कहाँ कहाँ तक आप कुल फोन करते हैं लोग फोर फोरलाइन पर कहीं दुर्घटनाएं होती हैं हाँ तो अक्सर लोग मदद के पेचा से फ़ोन करते हैं तो समझ गए आप ना मतलब अगर सड़क दुर्घटना कहीं होती है तो एम्बुलेंस से पहले इस एरिया में कॉल प्रमोद जी को पहुंच जाता है तो कब से न... कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं सर क्योंकि हर कोई नई चीज़ करने के पीछे एक कहानी होती है कोई ना कोई हर व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी घटना घटित होती है या तो वह टूट जाता है या तो उससे कुछ सीख ले लेता है ठीक वही स्थिति मेरे साथ है क्योंकि 1990 में जब मैं छोटा था लगभग आठ साल का था तो मेरे बाबा सड़क हादसे में घायल हुए थे और जब हम लोग हॉस्पिटल ले गए तो उस समय डॉक्टर ने ही बताया कि आप लोगों ने लाने में देरी कर दी जिससे उनकी जान नहीं बचा सकती तो मैं जब बड़ा हुआ पढ़ने की कोशिश भी किया लेकिन मेरे अंदर वही जुनून वही बातें डॉक्टर की याद रहती हैं जब मैं कहीं सड़क हादसा सुनता हूँ तो सोचता हूँ कहीं बाबा की तरह किसी अन्य परिवार को देर न हो जाए जिससे उसकी जान चली जाए और घायलों की मदद के पीछे खैर मेरी मदद से कोई घायल नहीं बचता है सब कुछ ईश्वर करता है लेकिन ईश्वर मुझे माध्यम के रूप से भेजता है और मैं जाता हूँ उसको अस्पताल पहुँचाता हूँ खैर पब्लिक का भरपूर सहयोग मिलता है पुलिस प्रशासन का डॉक्टर का और लगातार मेरे हौसले बढ़ते जा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले एक डॉक्टर साहब की आपकी आपको बाइट सुनाता हूँ जहाँ पर ये अस्पताल में लेके जाते हैं मरीजों को क्योंकि जिला अस्पताल पहुंचाते हैं जिला अस्पताल पहुँचाते हैं सबसे पहले, जो नजदीकी अस्पताल आता है वहाँ एडमिट कराते हैं कई बार ऐसा भी हुआ है कि एम्बुलेंस नहीं मिली तो एक काम करते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब की बाइट सुन लेते हैं जो डॉक्टर साहब आपके बारे में जी जी इनके बारे में हम तो ये कहेंगे कि मैंने अपने जो मेडिकल लाइफ मुझे लगभग तेरह चौदह साल हो गए सरकारी सेवा में तो इससे पहले मैं विभिन्न जनपदों में रहा मगर प्रमोद जी जैसा हमको मिला नहीं आदमी होंगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे होंगे वहाँ पे भी मगर जो सेवा भाव इनमें देखा हमने यहाँ पे आके कप्तानगंज में वो शायद हमको मिला नहीं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी ऐसे लोग मिलेंगे तो कुछ वहाँ पे जो आम जनता है उसकी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम घायल की मदद करें यथासंभव मदद करें जो भी उनसे हो सकता है वो करें और ये प्रमोद जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं एक चीज़ बताइए जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट अजीब तरीके के होते हैं तो आप उनको इस गाड़ी में भरते हैं ऑल्टो में पूरा आपने एम्बुलेंस बना रखा है ऑल्टो को तो आपको डर नहीं लगता है आ, डर लगने के पीछे देखिए हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अगर कहीं दुर्घटना हो रही हो तो उसकी मदद करें क्योंकि अपोज करिए अगर मान लीजिए हम लोग कहीं दूसरी जगह चलें और दुर्घटना मेरे साथ हो जाए तो मेरे परिवार का मेरे साथ कोई नहीं होगा अगर दुर्घटना सामने हो रही है तो यह चीज़ मानना चाहिए उसके परिवार का मैं मौजूद हूँ और ईश्वर के यहाँ उस कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है निश्चित मैं यह उद्देश्य लेकर करता हूँ घटनाएँ बहुत हुई बहुत बार विचलित भी हुआ लेकिन अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा तब तो, तो आदमी सड़क पर तड़पता ही रह जाएगा कितने लोगों को अब तक तो बचा चुके हैं अब बचाने के बारे में क्या कहें लगभग सौ डेढ़ सौ लोगों को ऐसा मैं जानता हूं कि जो कई दिन कोमा में रहने के तो अच्छा, मतलब बाद लौट है, हो हो है? आए आप, हैं जैसा है क्या कहूँ आप आए हैं बस्ती जनपद में आपका स्वागत है आपके चैनल आपके दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ आप सड़क पर किसी व्यक्ति से आप पूछ लेंगे वो तो देख रहा हूँ तो वो बता देगा मेरे बारे में कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं और उन लोगों का उत्साहवर्धन ये मेरी ताकत है किसी घायल को आपने एडमिट करवाया तो पूरी आप जानकारी भी लेते रहते हैं किस पोजिशन में है क्या है और क्या आ, अभी का अभी मिलता है? अभी परसों एक दुर्घटना हुई थी आ, जिसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी मैंने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था जिससे मैं ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है उसके परिवार का आज ही मेरे पास फोन आया था कि भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद वो तहसीलकर्मी था कि मेरे बाबा होश में आ गए हैं हमने कहा यार मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है और खैर जिसको मैं अस्पताल में भर्ती कराता हूँ उसके पीछे मैं अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ अगर मैं ले गया हूँ वह सुरक्षित हो जाए ताकि मुझे एक बल मिले प्रशासन का सहयोग मिलता है भरपूर सहयोग मिलता है हमको 26 जनवरी 15 अगस्त पर प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया है लगभग दो दर्जन बार स्वयंसेवी संस्थाओं ने सम्मानित किया है अभी बस्ती आर ने भी मुझे नेक आदमी सड़क सुरक्षा प्रहरी के रूप में सम्मानित किया है और लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है कि दुर्घटना को रोका देने जाए उसका सिस्टम नहीं सही है अच्छा आपको क्या लगता है जिस रोड दुर्घटना हो रही है जैसे लोगों के पास आप पहुंचते हो जी जी सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं आम आदमी जैसे यहाँ जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको ये नहीं पता है कि ड्राइव करने का नियम क्या है अगर सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क सुरक्षा का नियम क्या है सब लोग वही गाँव वाली स्थिति में साइकिल की तरह गाड़ी भी चला रहे हैं और अधिकतर लोग नशे में चलाते हैं आप सड़क पर देख सकते हैं लगभग अस्सी से ऊपर लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं मैं तमाम विद्यालयों में इसके लिए अभियान भी चला रहा हूँ आपको बता दूँ मैं विद्यालयों में जाता हूँ क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चे अगर अपने माता पिता से यह जिद कर सकते हैं कि मुझे कापी चाहिए पेंसिल चाहिए कपड़ा चाहिए तो अगर एक विद्यालय के दस बच्चे अपने घर जाकर जिद कर दिए कि पापा भैया हेलमेट लगाइए तो मेरा वहाँ जाना सार्थक हो जाएगा मेरा मुहिम चल रहा है हर विद्यालय में चल रहा है लगभग यहाँ दर्जनों विद्यालयों में जा के विद्यालय वाले खुद मुझे खुद ही बुलाते हैं कि आ के आप बच्चों को टिप्स दीजिए सड़क तो हादसे के बारे में जिससे मेरे बच्चे जागरूक हों लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छा आप ऑल्टो से काम कर रहे तो हैं तो ऑल्टो में कितने लोगों को बिठा पाते होंगे ऑल्टो में अब स्थितियाँ देखी जाती हैं कि जैसी दुर्घटना हो क्योंकि आपको बता दें दुर्घटना में गोल्डन आवर होता है पीक आवर आप किसी डॉक्टर से अगर जानकारी लेंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे वह समय कितना कठिन होता है उस परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है अगर गोल्डन आवर में सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचा दिया जाए उसको प्राथमिक उपचार मिल जाए तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती है तो, तो आपके पास लोग जो फोन करते हैं कौन फोन करते हैं कौन से लोग होते हैं जो आपको फोन करते हैं पब्लिक के लोग फ़ोन करते हैं जैसे लोगों को यह विश्वास है कि पुलिस और पब्लिक पुलिस और एम्बुलेंस वाले प्रमोद ओझा पहुँच जाएंगे जिसका कारण मैं आपको बता दूँ कि जब भी लोग एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाएंगे तो एम्बुलेंस सब कुछ जो पूछ लेगा कहाँ बोल रहे हैं क्या नाम है क्या गाँव है मरीज का क्या नाम है इसके बाद पूछेगा आप उसके लगते क्या हैं और फिर कहेगा ठीक है बीस किलोमीटर दूर से गाड़ी आ रही है तो उस झमेले से बचने के लिए लोग कहते हैं कि प्रमोद ओझा तो तुरंत मिल जाएंगे उन्हीं को मिला लो आप पुलिस के अधिकारियों से पूछेंगे डॉक्टर से पूछेंगे पब्लिक वाले यही मानते हैं सबसे सरल वही है अच्छा और मुझे भी अच्छा लगता है मैं अगर घायलों को मदद करता हूँ तो मैं अपने समझता हूँ अगर मैंने आज किसी घायल की मदद की है तो मेरे बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि मिली होगी मेरे बाबा जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी क्योंकि मैंने मदद किया है सबसे बड़ा चैलेंज जैसे देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट में बहुत सारी बार होता है कि अलग मतलब बहुत विभत्स घटनाएँ दुर्घटनाएँ होती हैं जैसे आमने सामने की टक्कर हो गई रॉन्ग साइड बहुत सारे लोग चलते हैं तो ऐसे में कैसे निकालते हो क्योंकि कटर वगैरह की व्यवस्था देखिए कम है प्रशासन जो है प्रशासन के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है मैंने इसके लिए अधिकारियों से बात भी किया है और मैं आपके माध्यम से भी चाहूँगा अगर प्रशासनिक जिम्मेदार या सड़क परिवहन मंत्री वगैरह इस वीडियो को देखें तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वह वा वास्तव में सड़क हादसे से जुड़ें उस सड़क हादसे को बहुत नज़दीक से देखें कि क्या दिक्कतें होती हैं आपको बताएं तमाम बार दुर्घटना गाड़ियाँ लड़ जाती हैं लोग मलबे में फंस जाते हैं पुलिस पहुँचती है एन एच आई के लोग पहुँचते हैं उनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं हो जिससे काट के निकाला जाए आपको हम बताएं निकाले कैसे जाते हैं जब गाड़ियाँ लड़ जाती हैं तो एक ट्रक आगे बांधा जाता है एक ट्रक पीछे बांधा जाता है और बांध के खींच के फैलाया जाता है ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि जिससे काट के निकाल लिया जाए मैंने अधिकारियों से निवेदन भी किया है और मैं आपको बता दूँ कुछ मित्रों के सहयोग से मैं बहुत जल्द एक कटर मशीन भी लेने वाला हूँ अच्छा कि ताकि जो लोग फंस जाते हैं उन्हें त्वरित गति से निकाल करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए और खैर मैं प्रशासन के ज़िम्मेदारों से भी अनुरोध करूंगा कि हर थाने पे ना हो सके तो जनपद में दो तीन थानों पर कटर मशीन की व्यवस्था कराएं जिससे त्वरित मदद उन्हें मिल सके आप खून से लथपथ लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं तो गाड़ी के तो हाइजीन खत्म हो जाता होगा तो नहीं लगता कि मतलब या उसी से यूज तो हो गए हैं देखिए हम आपको बताएं कि इसके पीछे भी एक शख्स की बहुत बड़ी भूमिका है उस शख्स का नाम आप को लेते हैं हम वह है मेरी पत्नी अब आपको बता दें कोई भी पत्नी अपने पति को रात 12 बजे ठंड हो बरसात हो घर से नहीं निकलने देगी लेकिन मेरे मुहिम में मेरी पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका है तो उनका सहयोग है पूरा उनका भरपूर सहयोग है आप मानिए आप लोग के भी पास परिवार है कोई पत्नी या कोई महिला या कभी बर्दाश्त नहीं करेगी उसका पति दो बजे रात को घर से निकल के बाहर चला जाए यहाँ पे कई बार आपने दुर्घटना में बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को बचाया है जी जो कि देख रहा था तो क्या थे वो थोड़ा बताइए वो कहानी अब एक बार बताएं आपको एक घटना हुई थी जिला जज गोरखपुर थे उनके ऊपर हमला हो गया था उनको भी ले जाकर बचाया था कई दुर्घटनाएं तो बहुत हैं तो जिला जज को आप कंधे पिलात के लेके कंधे पिलात के जाके बचाया गया था हाँ? और उस समय मेरे हौसले बहुत बड़े थे तमाम बधाइयाँ आई थी अच्छा लगातार जब दुर्घटना देखिए कई बार तो मेरे घर पे लोग बधाई देने आए जो कई महीने अस्पताल में रहे कि भैया आपकी वजह से मेरी जिंदगी हमने कहा नहीं मेरी वजह से नहीं है सब कुछ ऊपर वाले करते हैं मैं तो उनका माध्यम हूँ प्रयास करता हूँ कुछ बेहतर हो जाए तो दोस्तों प्रमोद ओझा जी एक ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप साइड से निकल जाते हैं एक्सीडेंट देखते हैं रोड पर ना तो मुझे पक्का पता है बहुत सारे लोग ये नहीं कोशिश करते हैं। चलो वहाँ पर देखा जाए कि कैसे आप उसके मददगार हो सकते हो लेकिन प्रमोद जी क्या करते हैं ये अगर कोई कॉल भी कर देता है और घर में सो भी रहे हो तो पहुँच जाते हैं और ये हाईवे के देवदूत कह जाते हैं ना भाई साहब जी जी पब्लिक वाले नामकरण मेरा पब्लिक वाले पब्लिक वालों ने नामकरण किया है और कोई एम्बुलेंस को कॉल नहीं करता अगर इस रोड पर कहीं एक्सीडेंट होता है तो सर के पास कॉल चला जाता है और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे लगता है कि अगर रोड सेफ्टी के प्रति हम और आप और आपके आसपास जितने लोग रहते हैं ऐसे मुहिम से जुड़ने लगे और सिर्फ थोड़ा सा कंसर्न दिखाएं क्योंकि सबकी एक नैतिक जिम्मेवारी होती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को सही समय पर मदद मिल जाएगी लेकिन उससे ज़्यादा सोचने की जरूरत यह है जब आप सड़क पर चलते हैं तो रॉन्ग साइड ड्राइव ना करें हेलमेट पहने सीट बेल्ट लगाएं फालतू के ओवरटेकिंग से बचें जो ट्रक वाले जा रहे हैं उसको कट करने की कोशिश ना करें क्योंकि ट्रक बहुत भारी सामान लाद चल रहे होते हैं तो अपनी जान को थोड़ी सी मस्ती के चक्कर में ना गंवाएँ क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग और आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उनको दुख ना पहुँचे उनकी आँखों में आंसू नहीं आएगा अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे लेकिन फिर भी प्रमोद जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इनको मैं भी बधाई देता हूँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों से भी साझा करें और बहुत सारे उन लोगों को भेजें जो हेलमेट नहीं पहनते हैं